सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते रहते हो तो आज की वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनवॉइस कैसे यूज करते हैं और इनवॉइस क्या होता है। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं, लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता कि इनवॉइस होता क्या है। दोस्तों, इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस की ज़रूरत कब पड़ती है और इनवॉइस दोस्तों कहाँ से यूज करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों इनवॉइस हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्योंकि दोस्तों हम काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद लेते हैं जिनका सर्विस सेंटर हमारे क्षेत्र में नहीं होता, हमारी सिटी में नहीं होता, लेकिन जब उसमें कोई खराबी आती है तो हमें उसकी रिपेयर के लिए उसका सर्विस सेंटर सर्च करना पड़ता है, तब हमें दोस्तों ज़रूरत पड़ती है इनवॉइस की। तो दोस्तों, इनवॉइस क्या होता है और उसे कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, आज मैं आपको ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें उसका बिल जो होता है वो ऑनलाइन बिल मिलता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमें जो बिल मिलता है वो ठीक से प्रिंट नहीं होता या फिर उसमें ठीक से साफ साफ क्लियर नहीं दिखता है कि उसमें एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर उस प्रोडक्ट में कुछ खराबी आ जाती है तो सर्विस सेंटर में दोस्तों हमसे इनवॉइस मांगा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनवॉइस क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसका जो बिल होता है वो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाला होता है, जिसे हम इनवॉइस बोलते हैं। तो उसको कैसे डाउनलोड करते हैं और उसका यूज कैसे किया जाता है, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप इतना समझ चुके होंगे कि इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस दोस्तों ऑनलाइन बिल होता है, उसे हम इनवॉइस बोलते हैं। और उसे डाउनलोड कैसे करते हैं और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी आप किसी अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट की सर्विस के लिए सर्विस सेंटर में अप्लाई करते हो तो वहाँ से वो लोग इनवॉइस की एक फ़ोटोकॉपी मांगते हैं। तो दोस्तों, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इनवॉइस को सेंड करने की या फिर इनवॉइस को डाउनलोड करने की। तो दोस्तों, इनवॉइस कैसे डाउनलोड करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं और आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, ये सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में अमेजन एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 लाइन दिख रही हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको जाना है दोस्तों योर ऑर्डर्स पर। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, आपके सामने वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होने लगेंगे जो आपने अमेजन से पे किए हैं। चाहे आपने कोई भी यहाँ से रिचार्ज किया हो या कोई आइटम खरीदा हो, सब यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर किसी ऐसे आइटम को इनवॉइस चाहिए जो आपने काफ़ी टाइम पहले खरीदा था, तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी डेट सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने जो आइटम खरीदा था, इस आइटम का आप इनवॉइस निकालना चाहते हैं, वो आपने कब खरीदा था। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पर अपना काफ़ी पुराना आइटम का एक इनवॉइस निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इनवॉइस हमें उसी का चाहिए होता है जो काफ़ी पुराना आइटम होता है, क्योंकि जो नया होता है वो तो वारंटी में होता है, उसका बिल भी हमारे पास होता है। तो मैं आपको 2018 का कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर 2018 पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई पर क्लिक करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, 2018 में मैंने अमेजन से इतने सारे आइटम खरीदे थे, तो मैं आपको यहाँ से किसी भी आइटम का एक इनवॉइस निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी जो आइटम आपने यहाँ से ख़रीदा है अमेजन से, उसकी आप सर्विस कराओगे तो आपको सर्विस सेंटर में उसका एक इनवॉइस भेजना पड़ता है बाई व्हाट्सअप या किसी भी एप्लीकेशन द्वारा। चाहे आप व्हाट्सअप पर भेज सकते हो या मेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको इसका इनवॉइस कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो दोस्तों नीचे देखिए, एक ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड इनवॉइस, तो आपको डाउनलोड इनवॉइस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इनवॉइस वही होता है जो हमारा बिल होता है, लेकिन कंपनी को उसका एक PDF चाहिए होता है, क्योंकि बिना PDF के वो हमारी इसकी सर्विस नहीं करते, उन्हें प्रूफ चाहिए होता है कि हमने ये आइटम यहीं से परचेस किया या नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इनवॉइस और वारंटी स्लिप। तो हमें इनवॉइस पर क्लिक करना है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले सिर्फ हमसे इनवॉइस मांगते हैं। अगर आपकी कोई भी जो आपका जो आइटम है वो अगर वारंटी में, तब आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर वो वारंटी में नहीं है, आपकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है, तो आपको ऊपर वाले पे क्लिक करके रखना है और डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपना पीडीएफ जो आपका जो इनवॉइस है पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ से उसे देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए आपका जो इनवॉइस था, जो मेरा इनवॉइस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों देखिए कि मैंने जो आइटम खरीदा था मैंने कब खरीदा था, ये देखिए दोस्तों ऑर्डर 4 तारीख का है दोस्तों, 11 महीने का 2018 का, यानी कि मैंने ये 2018 में परचेज किया था और इसका जो इनवॉइस है यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो दोस्तों इनवॉइस होता क्या है ये देखिए, जे इसे आप इनवॉइस भी बोल सकते हो, इसे बिल भी बोल सकते हो, और इसे दोस्तों कैश मेमो यानी कि आपने जो पेमेंट किया है उसकी रसीद भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बोलने का दोस्तों सिर्फ अलग अलग तरीका होता है। तो दोस्तों यही एक इनवॉइस होता है जिसका दोस्तों सर्विस सेंटर वाले हमसे एक फ़ोटो मांगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और सर्विस सेंटर में डायरेक्ट जिस नंबर पर आप भेजना चाहते हो आप यहाँ से भेज सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देखिए सेंड का ऑप्शन आ रहा है, सेंड फाइल का, आप यहाँ से जाके व्हाट्सअप पर कहीं भी दोस्तों आप मेल वगैरह कहीं भी कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी आइटम का, किसी भी प्रोडक्ट का आप इनवॉइस निकाल सकते हो, चाहे आप अमेजन से कोई आइटम खरीदो या फ्लिपकार्ट से, दोनों का ही दोस्तों प्रोसेस सेम है। या फिर आप किसी भी ऑनलाइन कंपनी से, किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कोई भी आइटम खरीदो, आपको सेम यही प्रोसेस करना है, आप इसी तरीके से उसका इनवॉइस निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इनवॉइस क्या होता है, उसे कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं, और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।